दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को जंतर मंतर पर मिड नाइट ड्रामा देखने को मिला, जब दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई। दरअसल जंतर मंतर पर बेड लगाने को लेकर रात खूब हंगामा हुआ। पहलवानों और पुलिस के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। बैरियर हटाने को लेकर भी खूब बवाल हुआ। आरोप है कि विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत फोगाट का इस झड़प में सिर फूट गया। मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा, फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे एक और साथ। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने शराब के नशे में डंडे से उनकी पिटाई की। दुष्यंत फोगाट के सिर में चोट लगने के बाद उनको अस्पताल भेजा गया, लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विनेश फोगाट अपने भाई से पूछ रही हैं कि चोट कैसे लगी। तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये चोट पंखे से लगी है। इतना ही नहीं, पीछे से भी कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं कि पंखे से चोट लगी है। भाई ये देख लो, क्या कर दिया, क्या मारी है, इंसाफ की लड़ाई में सूर्या समाचार पहलवान बेटियों के साथ खड़ा है। लेकिन सूर्या समाचार पहलवानों से ये भी अपील करता है कि अपनी लड़ाई में सियासत की एंट्री ना होने दें, वरना कहीं इंसाफ की उनकी लड़ाई रास्ते में भटक ना जाए। इतना संवेदनशील मुद्दा कहीं सियासत की भेंट ना चढ़ जाए, कहीं बड़ी सियासी लड़ाई में पहलवान सिर्फ प्यादा न बनकर रह जाएं। इसका खिलाड़ियों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।